अहम खबर आपको देंगे। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में चचा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में पीडीएम के फैसलों पर गुफ्तगू हुई। इसी पर डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा। ने लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात की, तो जब मरियम नवाज कमरा अदालत में पहुंची तो शहबाज शरीफ ने खड़े होकर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया और इस मौके पर मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को पीडीएम के फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया और आइंदा के लाए अमल से मुतल्लिक शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। और इस मुलाकात के मौके पर मरियम नवाज ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एहतसाब नहीं बल्कि ये इंतकाम लिया जा रहा है और ये तमाम केसेस झूठे और बेबुनियाद हैं और इस हवाले से इन केसेस में कोई सच्चाई नहीं। मरियम नवाज ने ये भी कहा कि इन तमाम केसेस के हवाले से नैब के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, इसके अलावा ये केसेस कुछ नहीं है। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को पीडीएम के फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया और आइंदा के लाए अमल से मुतल्लिक शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया, जबकि इस मौके पर शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी करवाई गई, जिस पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। और ये मुलाकात इस वक्त एहतसाब अदालत में जारी है। कुछ ही देर बाद अदालत की जाने से कार्रवाई का दोबारा आगाज होगा और फिर आज की समाअत से मुतल्लिक अदालत हुक्म जारी करेगी। ठीक है, मुलाकात जारी है। मरियम नवाज कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात कर रही हैं। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए।